नमस्कार। क्या बोले भारत का, हमारा जो सफर शुरू हुआ था उसमें हमने इस लोकसभा चुनाव जो कि बहुत ही क्रूशियल चुनाव है, 10 साल में नरेंद्र मोदी सरकार से के बारे में लोग क्या सोच रहे हैं उस पर बात की, और हमने लगभग ये कोशिश की कि देश भर में जनता का मूड और मिजाज डीडी न्यूज के माध्यम से आप तक पहुंचाएं और जानने की कोशिश करें कि आखिर वो कौन से मुद्दे हैं जिनके आधार पर इस बार जनता वोट देने के लिए निकली और निकल भी रही है। लेकिन अब सफर हमारा यहीं खत्म होता है। आज हम अपने इस अंतिम पड़ाव पर पहुंच गए हैं, हिमाचल प्रदेश, और हिमाचल प्रदेश की 4 सीटें, उनको लेकर इस बार चर्चा जोरों पर है। शिमला जो कि राजधानी है, यहाँ पर हम पहुंचे हैं, लेकिन बात हम चारों सीटों की करेंगे क्योंकि हिमाचल प्रदेश में राज्य में कांग्रेस की सरकार है। लेकिन जो बात हो रही है वो ये कि हिमाचल प्रदेश की सरकार भी क्या बदल सकती है। लोकसभा चुनाव की चर्चा तो है ही, लेकिन साथ में मुद्दे कुछ ये भी हैं कि राज्य सरकार जब से कांग्रेस की यहाँ बनी है तब से किन किन मुद्दों पर खरी उतरी है, उसके आधार पर लोगों ने मन बनाया है। मंडी सीट, उसकी भी इस बार बात बहुत हो रही है, जहां से बीजेपी ने फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत को टिकट दिया है, तो उस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो चलिए आज के अपने इस सफर में आपको शिमला और हिमाचल की जनता से मिलवाते हैं और जानते हैं क्या है उनका चुनावी मूड। कहते हैं कि पहाड़ों में चुनाव के मुद्दे भी अलग होते हैं और लोगों के मुद्दे भी अलग होते हैं, और इसीलिए जब हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव के दौरान हम आए यहाँ पर और हमने देखा तो कुछ ऐसे मुद्दे थे जो कहीं और नहीं थे लेकिन यहाँ पर थे। और इस बार भी जब देखने में आ रहा है कि रैलियां हो रही हैं, चुनावी सभाएं हो रही हैं, तो सभी पार्टियों के निशाने पर आपदा, एक ये मुद्दा है कि आपदा में केंद्र सरकार ने कितने पैसे दिए और उन पैसों का इस्तेमाल हुआ नहीं हुआ। कांग्रेस कह रही है कि हमने जितना मांगा था उतना नहीं दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी की तरफ से सीधे तौर पर ही कहा गया कि आपदा के लिए जो केंद्र से पैसे मिले उनकी बंदरबांट हुई, तो वो एक बड़ा मुद्दा है जो कि यहाँ पर निकल कर सामने आ रहा है। लेकिन इसके अलावा जो अहम बात जिसका जिक्र मैंने अभी किया था वो ये है कि जब से यहाँ पर कांग्रेस की सरकार बनी है तब से उथल पुथल का माहौल है कांग्रेस में, और इसीलिए अपनी पार्टी को बचाए रखना, सरकार को बचाए रखना, ये कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। और इसी आधार पर कांग्रेस सबको साथ लेकर कैसे चला जाए इसकी कोशिश में लगी है, क्योंकि उसे डर है कि कहीं यहाँ पर उसकी सरकार ना चली जाए। तो चलिए यही जानने के लिए जरा चलते हैं मॉल रोड की तरफ, क्योंकि वो एक इलाका है शिमला का जहाँ पर कि हमें हर तरीके से लोग मिलेंगे और उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। तो मॉल रोड ही चलते हैं, चलिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में जब रैली की और चुनावी सभा की, उसमें उन्होंने ये बात बोली कि जिस तरह से आपदा से निपटने के लिए केंद्र की तरफ से पैसा दिया गया उसमें बंदरबांट की यहाँ की कांग्रेस सरकार ने, उसकी एक एक पाई का वो हिसाब लेकर रहेंगे। दूसरी तरफ राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि हमें तो पैसा दिया ही नहीं गया, हमने मांगा था 9,000 करोड़ लेकिन मिला बहुत ही कम। तो ये जो तमाम मुद्दे हैं, और खास कर की अग्निवीर भी एक मुद्दा है जो कि हिमाचल प्रदेश में विधानसभा के चुनाव में दिखाई दिया था, इस बार उसका कितना असर होगा ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे। और साथ ही एक चेहरा इस बार बीजेपी ने मंडी से उतारा है, फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत के तौर पर, तो वो कितने पानी में है ये भी हम जनता से जानने की कोशिश करेंगे। शिमला में हम यहाँ हैं, पहले दिखा दें आपको कि शिमला की मॉल रोड रिज एरिया, जहां पर की इसी तरह से पर्यटकों की भी धूम लगी मची रहती है, और खासकर जो यहाँ के लोग हैं वो यहाँ दोपहर में लंच के बाद इसी तरह गुफ्तगू करते नजर आते हैं, शाम के वक्त मॉल रोड पर घूमने के लिए आते हैं, और चुनावी चकल्लस, चुनावी चर्चा भी इसी तरह से यहाँ पर होती है। तो चलिए जरा शुरुआत करते हैं यहीं पर, जानते हैं आखिर शिमला के हिमाचल के दिल में है क्या, हिमाचल के दिल में क्या है। हिमाचल के दिल में या पूरे देश के दिल में तो मोदी जी है, और जो हिमाचल के मुद्दे हैं, मैं तो सारे प्रदेश की जो महिला है उनकी तरफ से यही बोलना चाहूँगी, जो हम बार बार जो
वादा किया था कांग्रेस सरकार ने, जैसे ही हम आएंगे, इनकी राष्ट्रीय नेता भी आई थी, उन्होंने भी यही कहा था फर्स्ट कैबिनेट में 18 से 60 साल की महिलाओं को 1500 मिल जाएंगे, हम तो उसी का वेट कर रहे हैं। तो और कोई मुद्दा नहीं है, बाकी दिल में भी मोदी जी है, देश में भी मोदी जी है। दिल में भी मोदी, देश में मोदी। हाँ जी, हम मोदी जी के बारे में अगर बोलना चाहें तो बहुत टाइम लगेगा बोलने के लिए। हम थोड़े से शब्दों में कहते हैं कि जब से मोदी जी की सरकार बनी है तब से औरतों को बहुत सम्मान मिला है। जैसे तुम शौचालय का लगा लो, अमर ये योजना लगा लो जो गैस दिया है सबको जलाने के लिए, है ना, और जैसे 3 तलाक की है और 370 है कश्मीर में, क्या नहीं दिया, आयुष्मान कार्ड है, जैसे अब देखो गरीब से गरीब लोग भी अपना इलाज करा सकते हैं। मोदी जी ने इतना अच्छा किया कि हर औरत मतलब सिर उठा के आज मतलब समाज में जी सकती है। नारी शक्ति का रुझान किस तरफ है? नारी शक्ति पूरी तरह से इस समय मोदी जी के साथ है और हमेशा रहेगी, क्योंकि जो 33% हमें आरक्षण मिला है वो हमारे लिए एक बहुत ही सिर उठा करके गर्व से हम कह सकते हैं, नारी शक्ति जिंदाबाद, मोदी जी जिंदाबाद। लेकिन कांग्रेस तो बहुत बड़ी बड़ी बात कर रही है, राहुल गांधी भी, प्रियंका गांधी भी, और यहाँ पर सरकार भी राज्य में कांग्रेस की है, उनसे उम्मीद नहीं? कांग्रेस की सरकार तो है ये तो, पर उनके लिए तो सारा कुछ फेक है। उन्होंने कहा 1500 रुपये देंगे, ना उन्होंने 1500 रुपया दिया, ना कुछ ऐसा करा, मतलब झूठे वादे कर रही है कांग्रेस, है ना। और जो हमारे मोदी जी ने किया है, जैसे हमारे हिम केयर कार्ड दिया है ना, आज कितनी ही जनता ने उस में अपना फ्री में इलाज कराया है, और सब मोदी जी के लिए ही है। और मोदी जी ने हमारी एक ही नहीं, हमारे हिंदुस्तान की पहचान भारत से बाहर सारे विश्व में करवाई है। कैसे है? हर कोई अब कहीं ऑस्ट्रेलिया चले जाओ, अमेरिका चल जाओ, सब सब मोदी जी कह रहे हैं, है ना। आपको लगता है कि विश्व में सम्मान बढ़ा? हाँ, बहुत ज्यादा सम्मान बढ़ा है। यूक्रेन में बच्चे फंसे हुए थे तो वो मोदी जी लेकर आए थे, है ना, हमारे बच्चों को वो लेकर आए हैं, और साथ में उन्होंने लेडीज के लिए उज्ज्वला योजना दी है, जनधन योजना दी है, और भी बहुत सारी योजनाएं दी हैं, और हमें सुरक्षित किया है। तो देश का सम्मान नारी शक्ति के लिए वो मुद्दा है? हाँ जी, मुद्दा है जी, मोदी जी है तो सब कुछ है। हाँ जी, सब कुछ ऐसे क्या, मतलब सबको सम्मान है, और हम आगे निकले विश्व, हम जो हमारा धर्म वो है वो भी है, उन्होंने हमको राम मंदिर दिया, सबसे बड़ी बात है जी। अच्छा, मैं यही इंतजार कर रही थी कि जहां मैं जा रही हूं वहां राम मंदिर का मुद्दा बहुत जोर शोर से सब लोग बात कर रहे हैं, आप लोगों के लिए भी ये मुद्दा? 500 साल तक हमने उस चीज का इंतजार किया है, हम सनातनियों के लिए सबसे बड़ी गर्व की बात है। और नंबर 2, मोदी जी ने जो राष्ट्र निर्माण किया, आज तक कोई भी भारत का नेता ऐसा नहीं कर सका। लाल बहादुर शास्त्री के बाद हो सकता है कि नरेंद्र मोदी जी ही ऐसे हैं जो हम वोट करें राष्ट्र निर्माण के लिए। नारी सशक्त की वो भी मोदी जी के राज में हुई, तो हम नहीं, सारी ही दुनिया चाहती है कि मोदी जी दोबारा प्रधानमंत्री बने, कोई और ऐसा नहीं है उनके टक्कर में जो यहाँ पे प्रधानमंत्री हमारे इसमें भारत में बन के आए। बहुत सारे नाम सामने आ रहे हैं, राहुल गांधी है, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, अरविंद के परिवार वाले लोग समर्थन नहीं करते हम लोगों ने क्या करना है, और तो बाकी तो कोई नहीं कर सकता, और नहीं समर्थन तो उनके, तो अपनी पार्टी के, आपने कहा ना कि कांग्रेस में यहाँ पे राज है कांग्रेस का, तो कांग्रेस का राज हमें तो अच्छा नहीं लगा। 1500 रुपया दिया था, बोला था उन्होंने, तो 15 महीने हो गए हमारे, तो MLA तक हमारे अभी वोट लेने आ रहे हैं वो, कांग्रेस तो हमारे पास मुद्दा ही नहीं उनके पास बचा हुआ। प्रधानमंत्री सबके बीच जा रहे हैं और वो बात कर रहे हैं, आप क्या कह रहे हैं? जिनका कोई नेता नहीं, कांग्रेस के पास कोई नेता नहीं है, राहुल जी को खुद अपने आप नहीं पता लगता भी मुझे क्या बोलना क्या नहीं बोलता, उल्ट सुलट बोलते रहते हैं, कोई पता नहीं है, कल बोल गए 8500 देंगे, 1500 दिए नहीं, 8500 कहाँ से देंगे, कोई पैसा उनके पास है नहीं देने के लिए। यहाँ महिलाओं के साथ कुछ पुरुष भी कुछ बोलना चाह रहे हैं, हाँ, क्या हुआ, क्या हुआ? नहीं, ये कह रहे हैं कि भाई महिलाओं को 1500 नहीं मिले, हमने कहा कि हमारी पत्नी को 1500 रुपए मिले हैं, बिल्कुल मिले हैं जी, अभी अभी तीन किस्तें मिली है, बिल्कुल बिल्कुल 1500-1450 रुपए मिले अभी, मैं जो कह रहा हूँ कि मिले हैं। मोदी ने अगर नारी को या उस उज्ज्वला योजना दिया है, हम क्या क्या वो हमारे घर में नहीं मिला उज्ज्वला योजना, मिला है, लेकिन उसके मैं कह रहा हूँ हमारे घर में भी उज्ज्वला योजना मिला है, लेकिन उसके बाद जो 650 रुपए का सिलेंडर मिलता था वो 1200 रुपए मिलता है, वो तो वो वहाँ कंपेयर उसको वहाँ बराबर कर दिया गया है, वो तो सिर्फ हमारे को एक तरीके से मैं एक एक करके बात करेंगे, एक एक करके बात। मैं भाई साहब की बात को बिल्कुल बोलता हूँ कि 1500 रुपए देने की बात, एक एक करके सब लोग बात करेंगे, नारेबाजी नहीं, नारेबाजी।
1500 देने की बात जिस तरह से भाई साहब बोल रहे हैं, मैं मानता हूं कि 1500 देने की शुरुआत कर दी है, लेकिन इसमें इतनी कंडीशनें लगा दी है इन्होंने, मुश्किल से 10% भी महिलाएं हिमाचल की नहीं आ रही है, वो भी सेंटर का जितना भी फंड आ रहा है वेलफेयर का, वो उसको तोड़ मोड़ कर कर इन्होंने 1500 के नाम पे ठग दिया लोगों को। हिमाचल की भोली वाली जनता है उनको इन्होंने पहले ठग दिया है, लेकिन अब लोकसभा के चुनाव में हिमाचल की जनता ठगने वाली नहीं है, इसलिए इनको करारा जवाब मिलेगा। और हिमाचल की जनता, हिमाचल की जनता, एक मिनट, हिमाचल की जनता को किसने ठगा है? हिमाचल की जनता को केंद्र सरकार ने ठगा है। अच्छा, कैसे? झूठे वादे करके, और जो झूठा कहते हैं कि हमने अभी आपदा में यहाँ के लिए रात को उसके लिए पैसा भेजा, तो मोदी साहब अभी आए थे, झूठ कह के यहाँ के लिए कुछ भेजा पैसा, कुछ भी नहीं आया रात को उसके लिए, कुछ भी नहीं आया। और ऊपर से, और ऊपर से 3200 करोड़ रुपए की बात की जा रही है, 3200 करोड़ रुपए दी। और सुनो, मैंने नहीं, ऊपर से जो काला और मैम, जो आम आदमी की जो बेसिक रिक्वायरमेंट है, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, उस पर कोई काम नहीं हुआ है। ऐसे बड़ी बड़ी बातें हुई, हमें जो बेसिक हमें हमारी जो जरूरतें हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार। आजकल का जो हिंदुस्तान भारत है, पढ़े लिखे बेरोजगार का देश बनता जा रहा है। सर, किसने बोला बेरोजगारी? आज पूरा भारतवर्ष 8.4 की दर से ग्रोथ कर रहा है, 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है भारत। और यहाँ सुनिए, मेरी बात सुनिए, आज भारत हर क्षेत्र में उन्नति कर रहा है, हर क्षेत्र में अपना लोहा बना रहा है। ये उन्नति विकसित राष्ट्र का निर्माण करेगी, और भाजपा के नेतृत्व में ही ये भारतवर्ष विकसित राष्ट्र बनेगा। मैडम, बेसिक रिक्वायरमेंट बिल्कुल भी आम आदमी की पूरी हो ही नहीं रही है। किससे उम्मीद है? हाँ जी, सत्ता परिवर्तन से उम्मीद है। विकल्प क्या है? मैम, विकल्प के अलावा मैम, मोदी जी से पहले भी इंसान चलता था, चलता रहेगा। हाँ जी, मैं मोदी जी के आने से पहले इंसान चलता था, अच्छा चलता था, तो ऑप्शन में भगवा लहराएंगे। आपकी उम्मीद कहाँ टिकी हुई है? मैडम, मैं अपना वक्तव्य जय श्री राम और भारत माता की जय से शुरू करूंगा। जैसा कि आपको पता है कि लोकसभा आने वाले चुनाव में 1 तारीख को जो हिमाचल प्रदेश में चुनाव होंगे, उसमें भारतीय जनता पार्टी ने जो कैंडिडेट उतारे हैं, हम मंडी की बात करते हैं तो कंगना रावत जी को यहाँ पर निर्वाचन के लिए उतारा हुआ है। लोग उन्हें एक एक्टर के माध्यम से देख रहे हैं, लेकिन हम उन्हें एक ऐसी महिला, सशक्त महिला के नाते देखना चाहते हैं कि, और सभी महिलाओं का यह कर्तव्य बनता है कि भारतीय जनता पार्टी ने अगर महिला को सम्मान देने के लिए उन्हें मैदान पर उतारा है, तो सभी महिलाओं का कर्तव्य बनता है कि उनकी आवाज़ जो है लोकसभा तक वही ले जा सकते हैं, और उन्हें पूर्ण बहुमत से जो है मेजोरिटी से। अभी वो जो भाई साहब यहाँ पे खड़े थे, उन्होंने कहा कि बेरोजगारी बढ़ रही है, युवा के लिए कुछ नहीं हो रहा। बेरोजगारी ये इश्यूज़ बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी का, यहाँ पर सरकार को 2.5 साल हो गए कांग्रेस सरकार को, लेकिन ये अपनी सत्ता में ही परिवर्तन के करने के चक्कर में इधर से उधर लगे हुए हैं, अपना स्थायित्व तो पूरा नहीं। 2.5 साल कहाँ हुए? 1 साल हो गया पूरा, मैं एक डेढ़ साल पूरा हुआ है, चार महीने इनको मुख्यमंत्री बनाने में लगे, बाकी सारा इनका हनीमून पीरियड मनाने में निकल गया, और इनको ये पता नहीं चल रहा है कि सरकार क्या कर रही है, सो रही है। बेरोजगारी, स्वास्थ्य और शिक्षा, भारतीय जनता पार्टी ने 1800 कुछ पोस्टें निकाली थी JYT की, लेकिन इन्होंने जाके हमीरपुर बोर्ड भी बंद करवा दिया उस चक्कर में, अब दोबारा करवा रहे इस मुद्दे में कि हम सरकारी नौकरियां देंगे, ये नौकरी इनकी देन नहीं है, जबकि भारतीय जनता पार्टी की देन है। ठीक है, आपको किससे उम्मीद है? आपके मन में क्या मुद्दा है जब चुनाव? भारतीय जनता पार्टी। क्यों? वो सबके लिए काम करती है, सब एक एक जन जन के लिए सोचती है, युवाओं के लिए सोचती है। हम लोग युवा, हम लोगों को जॉब नहीं मिलती, नौकरी नहीं मिलती, हमारे बारे में सोचती है। बेरोजगारी है या नहीं? क्योंकि यहाँ भी एक मुद्दा उठा कि सरकार ने जो भी कहा, केंद्र सरकार ने, वो झूठी बातें निकली और बेरोजगारी बढ़ी। बेरोजगारी तो बढ़ी है, पर है, पर चीजें हैं। मैं एक बात बोलना चाहता, आप रोजगार की बात कर रहे हैं, मैं अपना डाटा दिखा सकता हूँ, किसी ने भी देखना हो कि जब भारतीय जनता पार्टी की यहाँ पे सरकार थी, तो मैंने एक मुख्यमंत्री स्वावलंबन नाम से एक योजना आती थी, उसने एक अपना केस बनाया और मुझे सेंक्शन भी हुआ, और फर्स्ट मेरे को जो इसके इंटरेस्ट सबमिशन मिलता है वो भी मिला। जैसे ही कांग्रेस की सरकार आती, वो इंटरेस्ट सबमिशन आना बंद हो चुका है, तो काहे की रोजगार की बात करते हैं ये लोग? इसलिए मुझे तो लगता नहीं है कि ये रोजगार देने जा रहे हैं यहाँ पे। वो भाई साहब ने जो बोला है कि केंद्र सरकार से जो पैसा आया है कि वो उसका झूठ है, बिल्कुल दिया गया है केंद्र सरकार से पैसा, क्योंकि इसका प्रूफ है।
कागज दिए गए हैं, मोदी जी के पास पहुंच गए हैं और उनकी अब इंक्वायरी होगी, इस वजह से ये लोग डरते हुए। आपको सारी इन्फॉर्मेशन है? पूरी इन्फॉर्मेशन है मोदी जी के। देख, विश्व गुरु किसने बनाया है भारत को? सिर्फ मोदी जी के काल में ही भारत विश्व गुरु बना है। पहले हम सब के आगे मतलब इतनी हमारी वो नहीं थी है, तो कितना सम्मान है। आज मोदी जी बाहर जाते हैं उनका सब सम्मान करते हैं, पहले था हमारा सम्मान इतना नहीं था। नारी शक्ति की तो हमने बात सुनी, आपने हमने बहुत बोला, जरा और भी लोग यहाँ इंतजार कर रहे हैं, जरा और भी सबके व्यूज लेते हैं। आपका क्या व्यू? हम तो तीसरी बार भी मोदी जी को ही लाना चाह रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छे काम किए हैं, बहुत ज्यादा। कोई एक काम जिससे आपको फायदा मिला हो, जिसके आधार पर आप बात कर रहे हैं? जैसे आपका आयुष्मान कार्ड, जो अभी मैं हॉस्पिटल से आ रहा हूँ तो वहाँ मेरा ऑपरेशन था, तो वहाँ सरकार जो है वो पूरा हेल्प कर रही है। ऑपरेशन किस चीज़ का? तो स्टोन का था। हिमाचल में कांग्रेस सरकार और दिल्ली की मोदी सरकार, इन दोनों में कंपैरिजन किया जा रहा है, क्या लग रहा है? दोनों बराबर की है। अच्छा। हाँ जी, कोई दोनों यहाँ जो है कांग्रेस जो है एम्प्लॉयज के लिए पेंशन दी, हर घर से एम्प्लॉयज आगे के लिए एम्प्लॉयज का एक खोला के भी पेंशन मिलेगी, नंबर एक। बाकी सेंटर मिली? हाँ जी मिली है। और सेंटर की बात है तो मोदी जो है वहाँ होना चाहिए लोकसभा में, अभी वो आना चाहिए वहाँ। तो आपका कहना है राज्य में कांग्रेस ठीक है, दिल्ली में मोदी? यस यस। तो दोनों को समानता से देखते हैं? हाँ जी हाँ जी। दिल्ली में कांग्रेस नहीं जमती? नहीं नहीं, हो सकता है जम जाए, जम जाए। कौन विकल्प में कौन है मोदी के सामने? विकल्प किसका है मोदी के सामने? विकल्प कौन मोदी के सामने? विकल्प तो है परंतु वो पीछे हट गए, विकल्प तो बहुत था है ना। वो सब ये चाहता है मैं भी बनूं है, सब पलगी चल रहे हैं, उठाने वाला कोई नहीं। अच्छा, ये वाली बात है। देखो जी, हम तो बोलते हैं कि चेंज होनी चाहिए गवर्नमेंट, 10 साल हो गई, कोई भी गवर्नमेंट हो 5 साल से ऊपर नहीं रहना चाहिए, क्योंकि लोगों के बारे में नहीं सोचते हैं। जो बात 50 साल में कांग्रेस ने नहीं किया वो 10 साल में मोदी जी ने किया है। सेंट्रल में पूरा देश भर में जो अभी इतना पहाड़ी इलाका हिमाचल, मैं तो टूरिस्ट हूँ लेकिन देखने के बाद में यहाँ पे पता चल रहा है कि इतना डेवलपमेंट कैसा हुआ है, तो मोदी जी के कारण हुआ है। आपको क्या लगता है इस बार क्या लग रहा है चुनाव? देखो जी, हिमाचल में 4 सीटें कांग्रेस की आएगी। कांग्रेस? हाँ, 4 सीटें। 4 सीटें और सेंटर में गठबंधन बनेगा। किस पिछली सरकार ने कुछ भी नहीं कर रखा, कर्जे में डूबा रखा है और क्या नाम, बहुत ही बुरा हाल किया है। और एक सेकंड नारे मत लगाइए, रुकिए एक मिनट, क्या कह रहे हैं आप? 4 सीटें कांग्रेस की आएंगी? 100% आएगी। क्यों? कांग्रेस अच्छा काम करी है, अच्छा। जैसे एक काम जो कांग्रेस ने अच्छा किया वो बताइए। महिलाओं को 1500 रुपया और ओपीएस कह रहे हैं कि 500 रुपए बढ़ा दिए, 1100 रुपए तो देते। ओपीएस लागू किया और अभी जो है ये सरकार ने मना कर दिया, बीजेपी सरकार ने इसको ऑब्जेक्ट किया है इलेक्शन कमीशन को, तो अब उसको जो है जैसे ही गवर्नमेंट अभी इलेक्शन होता है उसके बाद जो है 1500 हर महिला के खाते मिल जाएगा। और कांग्रेस की 4 सीटें आ रही है, जो 6 बागी बाहर गए वो भी कांग्रेस हाथ में आ रही है। जहाँ तक मैं 2014 से पहले की बात करता हूँ, 2014 से पहले हिमाचल का बजट 800 करोड़ हुआ करता था, आज हिमाचल का बजट 10,000 करोड़ है मोदी जी के टाइम में, 2014 के बाद। किसी से भी पूछे, इनको अगर डाटा है इनके पास, हिमाचल का बजट 800 करोड़ हुआ करता था 2014 से पहले, आज 10,000 करोड़ की हम बात कर रहे हैं। जहां ये इनको ठग के 10 गारंटियों की बात लेकर इन्होंने की है, हिमाचल में जो सरकार आई है 10 गारंटियों को लेकर आई है, 10 गारंटियों में से मुझे बताइए कौन सी गारंटी की बात कर रहे हैं। अभी जो भाई साहब ने ओपीएस की बात की है, मैं बताता हूँ, मैं खुद रिटायरी आदमी हूँ, मैं खुद आपने जो बात कही उसी की बात का जवाब, ओपीएस की बात करना चाह रहा हूँ, ओपीएस की बात, ओपीएस जो ये बात कर रहे हैं, किस चीफ सेक्रेटरी ने, किस फाइनेंस सेक्रेटरी ने, किस सीएम साहब ने जो है श्वेत पत्र दिया है कि वो ओपीएस लागू है? ओपीएस अभी तक पूर्ण तरीके से कोई लागू नहीं है, क्योंकि ये ओपीएस तब लागू होना था जब सेंटर में एमओयू हुआ है। आधी अधूरी जानकारी के आधार पर आपने बात की, आधी अधूरी जानकारी। ओपीएस लागू हो चुका है और सरकार बता रहे हैं पूरे डेटा के साथ। और क्या नाम जो है ना, अभी जो है ना पिछली सरकार के बोलने बहुत थे, एक्चुअली जो है ना ओपीएस इसी सरकार ने लागू किया है। ये बताइए एक मिनट, इन्होंने कहा कि 2014 से पहले हिमाचल का बजट कितना था और अब 800 करोड़ और अब बढ़कर 10,000 करोड़, तो ये किसने किया? ये तो पिछली सरकार ने किया जी, पिछली सरकार ने बोझ डाला है, पिछली सरकार। यस यस, कर्जा अपने में डाला है बीजेपी की। बिल्कुल यस यस। कर्जे में डाला या नहीं डाला, पहले मुझे इसका जवाब चाहिए। नहीं डाला, कोई कर्जे में नहीं डाला जी, कोई कर्जे में नहीं डाला।
ये सारा क्या नाम जो है हमारे लिए जो है मोदी आना चाहिए। आपके लिए कोई एक वजह है जो आप मोदी को चुने? जो काम मोदी ने किया है वो जो है कोई नहीं कर सकता। जैसे क्या? जैसे कि हमारे लिए जो है महिलाओं के लिए इन्होंने जो है गैस के लिए गैस दी और मतलब वो तीन तलाक खत्म किए, शौचालय बनाए, सारे काम जो मतलब जो है मोदी ने किए हैं, ये सारी देन मोदी की है। आप बताइए कि हिमाचल में कांग्रेस की सरकार, और अब एक मैंने देखा कि जब लोग बात कर रहे थे एक अफवाह ये भी उड़ी हुई है कि हिमाचल की सरकार भी बदल जाएगी, ऐसा कुछ चल रहा है? मुझे लगता है कि तीसरी बारी जो मैं माहौल देख रहा हूँ, तीसरी बारी माननीय मोदी जी को सभी लोगों ने मन बना लिया है कि देश का प्रधानमंत्री बनाना है। और दूसरे आपने सही कहा कि मुझे लगता है कि जनता का मन पूरी तरह से मोह भंग हो गया है कि सुखू जी ने जो वायदे किए, तीन पहली कैबिनेट में उन्होंने कहा था कि हम 1,00,000 रोजगार देंगे, पहली कैबिनेट में कहा था 300 यूनिट बिजली देंगे, पहली कैबिनेट में कहा था कि 24,00,000 महिलाओं को 1,500 रुपये हर महिला को मिलेगा, मगर 16 महीने बीत गए हैं और अभी तक एक भी रुपया एक भी बहन के खाते में मिला है तो बताएं। एक शख्स थे यहाँ, उन्होंने कहा उनकी धर्म पत्नी के खाते में, उनकी वो रिटायरी हैं, वो माननीय मुझे लगता है जयराम जी ने वो शुरू किया था और वो रिटायरी हैं और वो जयराम जी ने शुरू किया था वो उनको मिल रहा है। आप बताइए माता जी, हम नारी शक्ति की इतनी बात कर रहे हैं, मैं जरा आप ही से जानना चाहती हूँ कि जब नारी की बात हो रही है तो नारी का वोट किस मुद्दे पर जा रहा है? मोदी सरकार विकास के लिए नारी को उनको फायदा दिया है। हाँ, और मोदी को ही देना चाहिए वोट। और विकास का नारा जो दिया जा रहा है, क्या विकास हुआ आपके हिसाब से? हमारे यहाँ तो बहुत अच्छा विकास हुआ, हर महीने पेंशन मिल रही है और सब सुविधा, मकान वगैरह के लिए भी मोदी सरकार ने लोन मिला। आप खुश हैं? हाँ, बहुत खुश है। यहाँ घूमने क्या लग रहा है, यहाँ पर क्या है मन में? लोगों के मन में ये है कि सरकार हम केंद्र में वो देंगे जिसका स्पष्ट और सशक्त नेतृत्व हो, हमें वो सरकार नहीं चाहिए जिसका यही पता नहीं कि मुख्यमंत्री के दावे प्रधानमंत्री के दावेदार बहुत है लेकिन स्पष्ट रूप से विनेबिलिटी कैंडिडेचर किसी के पास नहीं है। ऐसा कैसे लग रहा है आपको? देश बोल रहा है, देश बोल रहा है जी बिल्कुल, और प्रदेश भी बोल रहा है, हिमाचल प्रदेश कि हिमाचल प्रदेश के लोगों ने राज्य के विधानसभा के चुनाव में स्पष्ट बहुमत के साथ 40 विधायकों के साथ कांग्रेस की सरकार बना के दी थी कि नेतृत्व ऐसा मिले जो प्रदेश का सर्वांगीण विकास करे दलगत राजनीति से ऊपर उठकर, लेकिन ऐसा देखने को नहीं मिला। यारी दोस्तों की सरकार बनी और नतीजे आपके सामने है। अंत में चलते चलते जल्दी से बताइए क्या लग रहा है? यहाँ पर तो बीजेपी की सरकार ही आएगी और वैसे जनता को यही है कि देश हित में वोट करना चाहिए। महिला जो है वो नारी शक्ति यही सोच रही है। हाँ जी, हाँ जी। तो देखा आपने, यही है वो जनता जनार्दन जिसका एक एक वोट कीमती है और जो ये तय करती है कि आखिर उसका भविष्य कहाँ पर है। 2024 के इस चुनाव में हमने अपने इस खास शो के जरिए आपको ये दिखाने की कोशिश की कि आखिर इस चुनाव में जनता के दिल में क्या है, क्या मुद्दे हैं उसके साथ। और हमारे साथ हमारी हम सफ़र ये गाड़ी भी रही जिसने पूरे देश में जनता के साथ बात करने की कोशिश की और आपके पास निष्पक्ष खबर दिखाने की कोशिश की। चलिए क्या बोले भारत के हमारे इस चुनावी सफ़र में अब हम लगाते हैं विराम। हमें और हमारी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।